आसम कर्मी अखिलेश यादव के साख दांव पर है। चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव मैदान में है। भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश यादव निरहुआ उन्हें चुनौती दे रहे हैं। 2022 के उपचुनाव में मुलायम परिवार से ये सीट छिन गई थी। धर्मेंद्र यादव यहां हार गए थे। इस बार किन तैयारियों के साथ धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं की जुबानी सुनिए। किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं आजमगढ़? बहुत शानदार, बहुत ऐतिहासिक माहौल है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी और पूरे हमारे इंडिया अलायंस को व्यापक समर्थन पूरे देश में मिल रहा है। और जैसा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आह्वान करके गए हैं आजमगढ़ के लोगों के बीच, और उम्मीद लगा के गए हैं कि आजमगढ़ के लोग और बड़ी जीत दिलाएंगे। जैसे 2022 का बाई इलेक्शन भी हमने देखा और उसमें आप हार गए निरहुआ से, तो अब चुनाव 24 में हो रहा है, तो कैसे नतीजे बदले? गुजर गया समय, आपने उस दिन की हार की बात की, आज नई वोटिंग हो रही है दूसरे चुनाव की और 4 तारीख को परिणाम भी होगा। और मैं समझता हूँ, मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं चुनाव आ रहा हूँ, हिम्मत नहीं आ रहा हूँ, और मैं हिम्मत नहीं आ रहा इस बात का। मुझे कहीं ना कहीं आजमगढ़ के लोग अपना समर्थन भी दे रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं।